गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, जो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए जिसके दो पॉइंट ए बी और तीसरा पॉइंट सी है। इस पॉइंट पर रिएक्शन आ रही थी, इस पॉइंट पर रिएक्शन आर बी थी, और यहाँ एक लोड लगा हुआ था W, उसकी कुछ वैल्यू थी, और टोटल लेंथ बीम की दी थी। और जो लोड लगा हुआ था वो जस्ट मिड में था। एक प्रॉब्लम ये डिस्कस कराई थी, ये इसके बाद एक प्रॉब्लम हमने अलग डिस्कस कराई थी, जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम थी आर ए आर बी। इसका जो पॉइंट सी था वो मिड में न होके कुछ डिस्टेंस पर था, तो मैंने वो डिस्टेंस फिक्स कर दी थी, कुछ 2 मीटर और 3 मीटर इस तरह से कुछ डिस्टेंस थी। इस तरह की दो प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, जिनमें हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनवाया था। तो ये बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को हम हल्का सा डिफिकल्ट करते हुए आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और आगे शियर स्ट्रेस में शियर फोर्स डायग्राम, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो लास्ट टाइम पे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, उसे दोबारा कराते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। तो प्रॉब्लम क्या थी हमारी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट वी है, एक पॉइंट सी है। हमने यहाँ लोड डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे दी थी, वैल्यू ना दे के हम उसे मान लेते हैं कि ए डब्ल्यू लोड लगा है एट डिस्टेंस ए और एक डिस्टेंस बी इस एंड से, और ये पॉइंट आपका सी पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे लोड आर ए, यहां पे लोड आर बी। अब हमें इसका शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी बी एम डी इन द टर्म ऑफ डब्लू डब्लू कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के टर्म में याद रखना है, निकालना है और याद रखना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने का, कि फर्स्ट डिटरमाइन द रिएक्शन ऑन द सपोर्ट्स। हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट डिटरमाइन द रिएक्शंस आर ए आर बी एट दी सपोर्ट्स। रिएक्शन आर ए आर बी सपोर्ट्स पर निकालना, ये हमारा उद्देश्य है। तो सॉल्व करते हैं, पहले समेशन ऑफ एफ बाई एक रूल लगाते हैं। तो हमारा आर ए प्लस आर वी इजुगल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सेकंड, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट वी इजुगल टू जीरो, इसमें क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। तो आर ए बी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, ए प्लस बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी। तो आर ए हमारा हो गया डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। एक तो हमारा ये निकल आया। अब आर बी इक्वल टू पहले इक्वेशन से डब्ल्यू माइनस आर ए, आर बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो आर बी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कैंसिल, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी। तो हमारी दो रिएक्शंस हो गई, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वी डिवाइड बाई ए प्लस बी और आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो और भी चीजों को सीखेंगे, ये ध्यान रख लें। तो हमें सबसे पहले क्या सीख मिलती है, कि अगर कोई न्यूमेरिकल
कभी भी आपको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है और कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, डब्ल्यू लोड यहाँ लगाया, उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, आर ए आर बी, तो बिना कैलकुलेशन के आर ए आर बी आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिंपल आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जब आर ए निकालना है, आर ए इज इक्वल टू, तो आपको इस डिस्टेंस को भूल जाना है, इसको आपको क्या करना है, लोड टोटल लोड डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई ए प्लस बी कर देना है। जब आपको आर बी निकालना है तो डब्ल्यू जो बी साइड की डिस्टेंस है उसे न लेके काउंट करके ए डिवाइड बाई ए प्लस बी निकालना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो उतनी कैलकुलेशन जितनी आपने की है उतनी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एस सी आर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, एस एफ डी। एस एफ डी बनाने से पहले सबसे पहले लिखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, इफ वी आर मूविंग टू लेफ्ट टू राइट, ये इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में बीम की मूव करेंगे, तो ऊपर के फोर्स पॉजिटिव, नीचे के फोर्स नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ करो सीयर फोर्स, अब उस अब थोड़ा जब नॉलेज हो जाती है तो सीयर फोर्स डायग्राम भी आप ऐसे ना बनाए जैसे हर सेक्शन लेके करना पड़ रहा है आपको। सिंपली सीयर फोर्स बिफोर पॉइंट ए, सीयर फोर्स ए पॉइंट से पहले कितना है, जीरो, पहले तो हो गया जीरो। सीयर फोर्स एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे कितना है, जितना रिएक्शन लग रही है ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब सी सीयर फोर्स एट, सॉरी, सीयर फोर्स बिफोर पॉइंट सी, पॉइंट सी से बिफोर पॉइंट सी, सी पॉइंट से पहले सीयर फोर्स कितना है, जितना ए पे है प्लस उनके बीच में जो लगा है, अब बीच में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो सीयर फोर्स सी पॉइंट से पहले उतना ही रहेगा जितना ए पॉइंट पे है, कितना रहेगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो सीयर फोर्स सी पॉइंट से जस्ट पहले तक, सीयर फोर्स सी पॉइंट से जस्ट पहले तक कितना रहा, सेम रहा उतना ही, ठीक। अब सीयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना हो गया, सी पॉइंट पे कितना हो गया, जितना सी पॉइंट से पहले है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस जितना सी पॉइंट पे लगा, सीयर फोर्स एट पॉइंट सी पे जो लगा है, लोड, सॉरी, लोड एट पॉइंट सी, तो देखो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, अब कितना लगा है डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू किस डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो डब्ल्यू नीचे की तरफ लगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी रह गई, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब सीयर फोर्स हम निकालते हैं, सीयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, बी पॉइंट से पहले सीयर फोर्स कितना है, जितना बी पॉइंट, जितना सी पॉइंट पे है सीयर फोर्स एट सी प्लस जितना इनके बीच में लगा है, बीच में कितना लगा, जीरो, तो उतना ही है जितना सीयर फोर्स सी पे है, तो जस्ट उतना ही हो गया। अब बी पॉइंट पे सीयर फोर्स कितना है, पॉइंट बी पे कितना है, जितना उससे पहले है डब्ल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, और माइनस में है ये, प्लस डब्ल्यू ए प्लस
ए प्लस बी, तो कुल मिला के इसके बाद शियर फोर्स कितना हो जाएगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा, जस्ट इसके बाद तक, आपका बी पॉइंट के जस्ट बाद तक जीरो हो जाएगा। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया, प्लस और माइनस। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। शियर फोर्स डायग्राम जब भी आप बनाते हैं तो दो चीज याद रखें, नंबर वन स्टेप आपका साइन कन्वेंशन, आप उसके लिए साइन कन्वेंशन लेने के बाद हर पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद शियर फोर्स आप कैलकुलेट कर लें, उस पॉइंट से पहले उस पॉइंट के बाद कैलकुलेट कर लें, और आप हर पॉइंट पे ज्वाइन करते जाएं, तो वो आपका शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता रहा हूं कि जिस पॉइंट पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, जैसे प्लस से माइनस किया, तो अगर कोई आपसे पूछता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे साइन चेंज करेगा। तो मैं शियर फोर्स डायग्राम देख के ये बता सकता हूँ कि सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। केवल शियर फोर्स डायग्राम बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करे बना सकता हूँ, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लें, ए पॉइंट बी पॉइंट, लोड डब्ल्यू लगा है, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी, यहाँ पे आर ए, यहाँ पे आर बी। तो आप इसमें देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर बीम दो सेक्शन में डिवाइड है, एक सेक्शन है आपका ए सी, एक तो सेक्शन क्या है आपका सेक्शन ए सी, और दूसरा सेक्शन है बी सी। ठीक है, सी बी या बी सी एक ही बात है, दो सेक्शन है। तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या तो मैं एक ही बेंडिंग इक्वेशन लिख लूं, और वो सेक्शन वाइज हमारे माइंड में ये रहे कि इस सेक्शन के लिए ये वैलिड है, इस सेक्शन के लिए ये वैलिड है, इस तरह से करते हैं, या फिर अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग बेंडिंग इक्वेशन लिखी जाए और फिर सॉल्व कर लिया जाए। दोनों चीज, दोनों काम कर सकते हैं हम। तो अगर हम कॉमन इक्वेशन लिखेंगे तो हम एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन सेक्शन लेंगे एक्स एक्स, इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे एम एक्स, तो आपका आर ए इंटू एक्स, यहाँ एक लाइन सी ड्रॉ कर लो हल्की हल्की और वहां लिख दो ए सी, ये तो केवल ए सी सेक्शन के लिए वैलिड है, माइनस डब्लू इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। जब हम डब्लू का इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो देखो ये किधर रोटेट करेगा, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया इसलिए माइनस, दूसरा यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक एक्स है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये क्या बची एक्स माइनस ए, ये किस सेक्शन के लिए वैलिड हो गया, ये पूरे सेक्शन के लिए वैलिड है और ये बीसी के लिए वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, एसी सेक्शन वाली, ये वाली हट जाएगी, तो एम ए इज इक्वल टू आर ए, एक्स बराबर कितना है ए पे, एक्स बराबर जीरो, आर ए इंटू जीरो, तो एम ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एक्स बराबर ए डिस्टेंस पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, अभी वैलिड इक्वेशन यही है, ए सी सेक्शन चल रहा है ना, तो आर ए इंटू ए, तो आर ए इंटू ए, आर ए की वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए, तो डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी।
अगर जो हम मान लें कि टोटल लेंथ इस बीम की एल बराबर है ए प्लस बी, टोटल लेंथ तो कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई एल। ये आप याद रखेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे ही होगा। अब बेंडिंग इक्वेशन फॉर सेक्शन सी बी, तो पूरी वाली इक्वेशन आ जाएगी, एम एक्स इजिकल टू आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, इस पे भी निकालेंगे तो एट एक्स बराबर ए, तो आर ए इंटू ए माइनस डब्ल्यू ए माइनस ए, बात वही होगी आर ए इंटू ए, सेम ही आएगा आंसर, डब्ल्यू ए बी बाई एल। ठीक है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, एक्स एट पॉइंट बी, एक्स एक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, तो एम बी इक्वल टू क्या हो गया, आर ए इंटू ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू ए प्लस बी माइनस ए, इससे ये कैंसिल आउट, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू बी, यहां से ये कैंसिल आउट, इससे ये तो एम बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो मैं तीन पॉइंट मिले, एक पॉइंट ए यहाँ बेंडिंग मोमेंट एम ए इक्वल टू है जीरो, एक पॉइंट सी यहाँ बेंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई एल, और एक पॉइंट मिला बी यहाँ बेंडिंग मोमेंट है जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दो, पॉइंट ए यहाँ जीरो, पॉइंट बी यहाँ जीरो, पॉइंट सी यहाँ पे, सॉरी पॉइंट सी यहाँ पे डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई एल, इन सबको लीनियरली ज्वाइन कर दो क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट में लीनियरली ज्वाइन कर दो, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, देखो डब्ल्यू ए बी बाई एल। आज के बाद आप याद रखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू ए बी बाई एल, ये आगे बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, अब हम आगे प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं और एक प्रॉब्लम इसी तरह की और सॉल्व करते हैं, बस हल्का सा उसमें चेंज करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप ज्यादा ज्यादा तभी सीखेंगे जब आप खुद प्रॉब्लम्स में वेरिएशन करना सीखेंगे। तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, बीच में मिड में एक लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट लगा है 5 किलो न्यूटन मीटर का, यहां से यहां तक 6 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम में थोड़ा वेरिएशन करा दिया। अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें मिड में लोड लगा रहता था लेकिन बेंडिंग मोमेंट नहीं लगा रहता था, इसमें हमने बेंडिंग मोमेंट और लगा दिया। अब आप देखो प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये छोटी छोटा सा बेंडिंग मोमेंट लगाने से। तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन क्या है, स्टेप फर्स्ट डिटरमाइन द रिएक्शन, डिटरमाइन द रिएक्शन एट दी सपोर्ट्स, सपोर्ट्स में रिएक्शन निकाल लिए, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो गया 10 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर वन। समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू जीरो, तो आपका आर ए इंटू सिक्स, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो 5 किलो न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज 10 इंटू 3, तो आर ए इंटू सिक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 30, तो आर ए इंटू सिक्स इज इक्वल टू 25। आर ए हमारा आया यहाँ से कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 6, 4.17, 17 किलो न्यूटन। तो आर बी आपका पहली इक्वेशन से क्या हो गया, 10 माइनस 4.17,
आर बी इज इक्वल टू हमारा आया कितना, 5.83। हमने ये रिएक्शंस निकाल ली। अब हम सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा फिर बीम ड्रॉ करते हैं और उस पर रिएक्शन शो करते हैं। माई रिएक्शन आर ए 4.17 किलो न्यूटन, हमारी रिएक्शन आर वी 5.83 किलो न्यूटन, हमारा लोड जो लगा है 10 किलो न्यूटन, टोटल हमारी डिस्टेंस यहाँ तक 6 मीटर, यहाँ हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हमारा है, ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे का फोर्स नेगेटिव। मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं शियर फोर्स बिफोर पॉइंट ए कितना है, 0, तो यहाँ 0 शो कर दो। शियर फोर्स आफ्टर पॉइंट ए, ए पॉइंट की बात कितना है, 0 प्लस 4.17 किलो न्यूटन, तो 4.17 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ शो कर दो। शियर फोर्स बिफोर पॉइंट सी इज इक्वल टू 4.17 प्लस, बीच में कुछ नहीं लगा 0, तो सी पॉइंट से पहले सेम ही रहेगा, ठीक है। अब शियर फोर्स आफ्टर पॉइंट सी 4.17 10 किलोमीटर नीचे की तरफ लगा है, तो -5.83 किलोन्यूटन, तो नीचे की तरफ आ जाओ, -5.83 किलोन्यूटन। शियर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, बी पॉइंट से पहले कितना है, -5.83, बीच में कुछ लगा है 0, तो -5.83 किलोन्यूटन ही रहेगा, यहां से यहां तक -5.83 किलोन्यूटन। शियर फोर्स आफ्टर पॉइंट बी कितना होगा, -5.83, फिर बी पॉइंट पे लगाया कुछ बीच में, +5.83, दोनों 0, तो आफ्टर द पॉइंट बी 0, तो ये आपका शियर फोर्स प्लस से माइनस, तो सी पॉइंट जो है यही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप दोबारा फिर बीम ड्रॉ कर लें, ठीक है। फिर आपने एक बीम ड्रॉ की, ये पॉइंट ए आर ए, ये पॉइंट आर वी, ये पॉइंट सी 10 किलोन्यूटन मीटर का, ये बेंडिंग लोड 5 किलो न्यूटन मीटर का, 6 मीटर यहाँ से आधा डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बेंडिंग इक्वेशन हम इतने सेक्शन की लिख लेते हैं, ये 4.17 किलो न्यूटन, ये आपकी 5.83 किलो न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इस सेक्शन की लिख लेते हैं, एक्स एक्स सेक्शन यहाँ मान लिया एट डिस्टेंस एक्स। तो बेंडिंग इक्वेशन फॉर सेक्शन ए सी, एम ए सी ऐसे लिख लो, 4.17 एक्स, यही होगी और कुछ नहीं होगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, एक्स बराबर 0, एम इज इक्वल टू 0, एट पॉइंट सी एक्स बराबर 3 मीटर, 4.17 × 3, एम सी इज इक्वल टू 12.51 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे आप फॉर सी बी सेक्शन,
बेंडिंग इक्वेशन फॉर सेक्शन सीबी। जब आप सीबी सेक्शन के लिए लिखेंगे तो आर ए आर वी 10 किलोन्यूटन का लोड और ये आपका 4.17 किलोन्यूटन, यहाँ 5.83 किलोन्यूटन और ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, तो ये आपकी 3 मीटर आधी पे लगा लोड और ये आपका 5 किलो न्यूटन मीटर लोड। ठीक है, तो सेक्शन हमने कहाँ लिया, ये एक्स एक्स सेक्शन एट डिस्टेंस एक्स लिया, एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4.17 एक्स क्लॉकवाइज प्लस 5 माइनस 10 एक्स माइनस 3। अब देखते हैं दोबारा, फिर एट एक्स बराबर 3 मीटर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना होगा, 4.17 × 3 प्लस 5 माइनस 10 3 माइनस 3, तो होगा 17.51 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और एट पॉइंट बी एक्स बराबर 6 मीटर इतना हो गया 4.17 × 6 प्लस 5 माइनस 10 × 3, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लें, 4.17 × 6 प्लस 5 माइनस 10 माइनस 30, 0 ही आएगा। तो अब देखो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हो गया ए पॉइंट पे, ए पॉइंट एम ए इक्वल टू 0, सी पॉइंट एम सी डैश लिख लो इसे, ये 12.51 किलो न्यूटन मीटर और उसी सी पॉइंट पे आया है 17.51 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया सी पॉइंट से जस्ट पहले और ये सी पॉइंट के जस्ट बाद है। ठीक है, और बी पॉइंट पे एम बी इक्वल टू 0, तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे 12.51 किलो न्यूटन मीटर, आप इन दोनों को कनेक्ट करें, ये कनेक्ट हो गया। अब इसी सी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन मीटर का लोड लग गया, इसलिए ये हो गया 17.51 किलो न्यूटन मीटर, और फिर इस पॉइंट को कनेक्ट करें बी पॉइंट से। ठीक है, तो ये बन पाया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। तो यहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एम एक्स इज इक्वल टू 17.51 किलो न्यूटन मीटर, ये आया। ठीक है, तो यहां ये समझ जाएं, जब भी कभी सीयर फोर्स डायग्राम में अचानक चेंज आ रहा है, जैसे ये पॉइंट आपका सी वन डैश और ये सी डबल डैश मान लिया जाए, तो यहां ये यहां से यहां कनेक्ट हुआ, फिर अचानक यहां से यहां कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है यहां पे कहीं ना कहीं बीच में बेंडिंग मोमेंट लगा, इसीलिए सडन जो चेंज आया है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आया है। देखो सीयर फोर्स डायग्राम में चेंज तभी आएगा जब सीयर फोर्स लगा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंज तभी आएगा जब बेंडिंग मोमेंट लगा होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं कि किस तरह से अगर बेंडिंग मोमेंट लगा है तो सीयर फोर्स आपका तुरंत जंप करके चेंज हो जाएगा और उसे किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो आज ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कराई, इन्हें अच्छे से समझ लें और आप याद रखें, ये वाली जो मैंने बीम बताई है, इस तरह की बीम मैंने बताया कि कोई बीम है, अगर लोड इधर W लगा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है, यहाँ से डिस्टेंस B है, तो ये वाली रिएक्शन अगर RA है, ये वाली रिएक्शन RB है, तो कैसे निकालेंगे, RA इज इक्वल टू W B डिवाइड बाई A प्लस B और RA आप RB हो जाएगा आपका W A डिवाइड बाई A प्लस B। दूसरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसे जरूर याद रखें, W A B बाई L। अगर ये बीम अगर A इज इक्वल टू B होता और L बाई 2 होता तो रख के देख लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, W L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई L, ये कैंसिल आउट, W L बाई 4, ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, यहां से देख लें तो RA आपका क्या आ जाता, W L बाई 2 डिवाइड बाई L, तो RA इज इक्वल टू W बाई 2
और आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू आ जाता है अगर लोड मिड में लगा होता, ए बी अगर दोनों इक्वल होते हो एल बाई टू होते। ये बहुत ही अच्छी और सिंपल प्रॉब्लम है, इन्हें आप समझ लें एक बार ठीक से। ओके थैंक यू।